बाबा जोगिया हो मोरे राम। अच्छा भैया, हम गायक कलाकार अशोक सिंह यादव लाल टोपी बाबा, आप लोगों के बीच में एक ऐसा दर्दनाक बिरहा प्रस्तुत करे जात बाने जौने के सुनले के बाद आप लोगों का करेजा एक बार बहुत गमगीन हो जाई। बाबू हमारे बड़े भैया अजय यादव की देखरेख में यह बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा और हम सब श्रोता भाई लोगन के हृदय से नमन बंदन करत बानी और आप लोगों से निवेदन करत बानी कहीं हमसे कुछ गावे में बोले में त्रुटि हो जाए भैया एके आप लोग अपने तरफ से क्षमा करब जा। क्या कहना है मास्टर? दुसाहसी दरिंदों का हद कर दिया, रक्त रंजिस धरा क्रूर सैलाब में डगमगाया, वतन शोकित अंबर हुआ, देखते रह गए भानु बेताब में, घृणित घटना घटी हासरथ में अजबी, उन दरिंदों का भारी बढ़ा हो सलाम, चरमराई दिशा सुन के कंपन हुआ, ऐ खुदा तेरा कैसा विकट फैसला। आजकल भैया तमाम तरह तरह के कलाकार गीत प्रस्तुत करत हो, एक ठे भाव मिलल मास्टर भैया। ये गीत में आप लोगों के सुने के मिली एक पति अपने पत्नी से कहत बा, आजकल आजकल बदमाश हो गई हो, आज कल बदमाश हो गई हो, ए में ओ में सब पास हो गई हो, अरे आई एन झूमर लीजी, अरे आई एन झूमर मेरे मारा जाना,
लेकिन कितना सुंदर भाव कवि जी लिखलन। गम के सागर उभरते रहे हैं, जुल्म दिल में सवरते रहे हैं, गम के सागर उभरते रहे हैं, जुल्म दिल में सवरते रहे हैं। आए खुदा कुछ रहम अब कीजिए मेरे मौला, ओ जी अब अवगुण फकीर का बाबू। चार लाइन कहानी के शुरुआत हो गई भैया। जिला में हाथरस की करुण ये कहानी है, दलित की बेटी जिसकी अधखिली जवानी है। चारा काटने सिवान में वह आई है, दरिंदों के जिगर में नूर वह समाई है। मौका देख चारों वक्त पे सवार हुए, लूटने आबरू को पापी तब तैयार हुए। ऐ बाबू कहानी पतन से आप लोग गौर करा। जिला हाथरस की एक कहानी है बाबू, जिसमें बहुत ही हृदय विदारक घटना घटती है। दलित की बेटी जिसका नाम बताया गया मनीषा वाल्मीकि, माँ बाप का सपना था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बहुत अच्छे घर में अपनी बिटिया की शादी करूंगा। लेकिन बाबू समय का खेल देखें, बारे मालिक ये दुनिया के बनावे वाला आपो गजब गजब का तमाशा करेला कि सुनले के बाद देखले के बाद बाबू हृदय बिहर जाला हो। लेकिन वो बिटिया के साथ कुछ गांव के दरिंदा कितना बड़ा अत्याचार करत हुन। बाबू एक ठे गीत लगल भैया, ए भैया तू बिटिया जब सिवान में अपने मतारी के साथ घास कटे गाइल गईल बा वही समय बाबू हो दुराचारी ओकरे संग का करत हूं भैया। वो दृश्य के वो समय के देख के उ बहिनिया हाथ जोड़ के कहत बा कैसे कहले बे भैया एक गीत लगल, अरे काली की ये बंदरी कहली की बंदर कुद जा जमुना वामी, कहली की बंदर
कूद जा जमुनावा में बच जाएगी तोहरो पारालो समय वो अत्याचारी बहन के ऊपर अत्याचार करे शुरू कैलन हो ओ समय बहनिया हाथ जोड़ के कहले बा का कहले बा भैया गौआ का गौआ का तोहरी बहिनी गौआ का तोहरी बहिनिया हो लूट दिले जातिया हो मार हाथ जोड़ी जोड़ी कर बिनती विरोधी अंशी हाथ जोड़ी जोड़ी कर बिनती विरोधी अंशे दिल लूटाया समत मार बाबू ओ बिटिया के साथ जब ये गद्दार कुकर्म पर उतर आए ओ समय वो बिटिया हाथ जोड़ के विनती कर थी कि भैया ऐसा अत्याचार काहे करत वालू भैया ए बाबू हाथ जोड़ के विनती करत बा लेकिन वह पापी गद्दार मानते नहीं है बाबू लेकिन फिर भी बहन अपन निवेदन चरण पकड़ के करत बाकी भैया ऐसा मत करा लेकिन बहनिया हाथ जोड़ के निवेदन करत है लेकिन होत का बाबू गीत लगल मतारी का होले गीत में आप लोगों के सुने के मिली अमृत कदार के अमृत कदार के तनो पियाई एगो माई बिना कैसे के करे जावाजू उड़ाई ये बाबू एगो माई बिना लेकिन बहनिया बहन मनावत है लेकिन बारे भाई
बारे आज के समाज के लोग केकरे पे भरोसा करी बाबू, बारे हमारे देश के जवान क्या यही उम्मीद आशा लेकर के इस संसार के इस दुनिया के लोग बैठे हैं? क्या तेरी यही कहानी है? अरे कुछ तो सोच, गौर करेंगे बहनियां, बड़ी विषम परिस्थिति में बा, हाथ जोड़ के कहले बा, गौआ कहुआ हमरे तो है सागा भाई कुछरी आयत कराम, हुआ हमरे तो है सागा भाई कुछरी लूटा जीन भैया मुरई जतिया ए बाबू कुछरी आयत करा हमारी भैया कुछरी हमारी इज्जतिया के भैया ला बचाई हमारी हमारी इज्जतिया के भैया बचावा भाई हो के बहिनी के भाई हो के बहिनी कहना पर्दा हटावा ये कहता कि भैया अरे आप हमारे गाँव के सग भाई न हुआ ऐसा मत करा भैया, अरे एक बहिनी का मर्यादा बचाला के मर्यादा के पर्दा के मत उघारा। लेकिन बाबू हो बहन गिड़गिड़ा रही लेकिन माने नाही पापी देहल पर्दा उठाई कुछरी आयत कराम नाही पापी देहल पर्दा उठाई हमारी इज्जत लाभ चाहिए भैया कुछरी आयत करा अरे बाबू बहन गिड़गिड़ा रही है रो रही है कि भैया हमरे असमत को मत लूटिए, यह तो हमरे एक जिंदगी का आधार बा, अगर एहू के भैया लोग लूट लेबा तो नारी के पास एकरे अलावा कुछ ना हो, यह तो हमार एगो थाती बा, यही के लेके हम अपन जीवन बिता ले। गौर करेंगे दुनिया के लोग आज कैसन सोच रखत हुआ,
कभी जी अपन इतने कल्पना पेश कैले कैसे पेश कर थोड़े गीत लगल मास्टर अरे मोरे बिरनाऊ अरे मोरे बिरनाऊ अरे कवल कर लावा गईला हम की छोड़ी अरे मोरे बिरला अरे मोरे बहिनी हो अरे मोरे बहिनी हो कैसे उजतिया लूटल दूत तोहार अरे मोरे बहिनी हो जबरी बलात्कार सबल कैले अलहलई जत तोहार ओ बिलखत तड़पत तू रह गइलू आ कोई ना किया उपकार की अरे मोरे बहिनी वो की अरे मोरे बहिनी वो अरे कैसे तू सहलू ऐसन कष्ट पार अरे मोरे बहिनी हो कभी जी अपनी कल्पना को पेश करते हैं कि भाई जब इस चीज को देखेगा सुनेगा तो उसके मन में कैसा विचार आएगा सोचेगा भाई कि क्या हो गया रे बहन तेरी इस असमत को कौन लूट लिया क्या जवाब दूंगा क्या इस धराधाम के लोगों को अपना मुंह दिखाऊंगा लोग यही सवाल करेंगे कि तू जिंदा था लेकिन तेरे बहन की इज्जत कैसे लूट ली गई लेकिन बाबू हो टेरी का भाव लगल अरे राम दिखाया क्या खुदा ने करिश्मा अरे दिखाया क्या खुदा ने हो दिखाया क्या खुदा ने करिश्मा अवनी फाट गई अंबर का दिल दहलाया अवनी फाट गई अंबर का दिल दहलाया दिखाया क्या खुदा ने करिश्मा अरे बाबू अब ही बहन के पापी अत्याचारी सब कुछ कहने के बाद भी वही वही दुराचार कर रहे हैं वही व्यवहार कर रहे हैं अब बहनिया जेकरे पे बाबू जब बीते ला उहे वो कर हाल जाने ला बहन बही रोवत है बिलखत है हाथ जोड़ के बहनिया अब ही अपने रहमत का भीख मांगत है अपने मर्यादा का भीख मांगत है कि भैया हो कम से कम विचार लोग करा का हम आप लोगों के बिगड़ ले ही भैया काहे ऐसा करत हुआ लेकिन भैया अब
विदेशिया के लाइन में आप लोगों के मिली वो पापी अत्याचारी करत का हुआ। रोई रोई आता जोड़ी करनी पीनीतिया के अलूटा जिले जतिया हमारा भैया बिरना तोहरे की गौआ के हम बगनी गाबो इज्जत से करा जिन खेलवार भैग बिरना मुड़िया मडोरी दिखले अघुटना के तोड़ी दिखले असंगवा में कैले बलात्कार भैया बिरन अधरती चिहारी गैली जिभिया के काटी लिखले अबैली सन कैले अत्याचार मोरे बिरना। ए बाबू बहनिया बिलख बिलख के रोत बा लेकिन वो पापी नीच गद्दार माने नहीं उसकी असमत को लूट ही लेते हैं। इतने ना कैलन भैया ओके वही खेत में पटक करके ओकरे मुड़िया के ऐठ के बाबू तोड़ दिहलन उतना पर भी संतोष ना भइल भैया तब ओकर शरीर का अंग अंग रीढ़ का हड्डी और एक घुटना का हड्डी भी पापी तोड़ दिए आए है। लेकिन गद्दार इतना नहीं समझ पाए कि कुछ भी करूंगा लेकिन यह फैसला मालिक करेगा। सब बचने के लिए एक उपाय करते हैं अगर इसकी जीभ काट लेंगे तो यह बयान नहीं दे पाएगी। ऐसा भी किए बहनिया के जीभी सो काट लेने भैया बारे हमारे देश के नौजवान गद्दारों तुमको तो अगर तत्काल फांसी दी जाए तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आज की सरकार को और उस न्याय पर बैठे हुए न्याय के गद्दी पर बैठे हुए लोगों का मैं सम्मान करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल फांसी दी जाए ताकि आने वाले समय में ये गद्दार बहन बेटियों के साथ ऐसा कुकर्म न करने पाए। लेकिन ए भैया बहन के साथ जो नहीं करना चाहिए वो कुकर्मी सब किए। अरे कुत्ते से बदतर तुम्हारी हालत है। तू अपने को इंसान समझता है क्या? यही इंसानियत है, यही इंसानियत है। अरे मानव हो, इंसान हो, बुद्धिजीवी हो, जरा विचार करो। क्या मालिक तुम्हें इसीलिए भेजा है? किसी की मर्यादा बचा नहीं सकते तो क्या तुम किसी की मर्यादा लेने के लिए आए हो? अरे गद्दारों सोचो, आज के नौजवान सोचो, क्या इस दुनिया की हालत होगी जब तेरे जैसे हमारे जैसे भाई किसी अबला बहन की मर्यादा को लूटेंगे, किसी बहन बेटी की आबरू को लूटेंगे, तो इस देश की इस दुनिया की हालत क्या होगी? लेकिन बा भैया पहपट का लाइन लगल बाबू। अरे ते काप गईली धरती रोया समनवा हमारे बेटी के, काप गई धरती रोया समनवा हमारे बेटी के, लूट लिए असमत सारा बेईमानवा हमारी बेटी के। अरे पोल मिला जग गई प्रशासन तुरंत उठा ले आई हो, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ पहुंचाई हो। ए बाबू इस बात का जब पता चलता है तो शासन प्रशासन के लोग उस बेटी के
छत बिछत सौ को जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते हैं जो अलीगढ़ में पड़ता है। अरे हालत घोर हुई बिकट बच्ची है ना जनवा हमारी बेटी के आ लूट लिए ये समझ सारा बेमनवा हमारी बेटी के। भैया उमतारी जब वो हाल के देखत बा बिटिया के वो समय मतारी बिलक के इहे कहत बा कि बारे प्रशासन शासन के लोग हमरे बिटिया के आज दुर्गति हो गई लेकिन कवन मदद आप लोग हमार करत हुआ। बतावल गई बाबू पेपर पत्रिका में बात निकलल 14 सितंबर को घटना घटती है। 16 दिन तक वह बेटी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से जूझती रह गई। माँ बेहाल है यही सोच रही है कि हमारी बेटी कि जिंदगी बचेगी भी कि नहीं बचेगी यही सोच के माँ अपने कलेजा के मनावत है कि हे भगवान कैसे हमरे बिटिया का जीवन बच जात जवन कैलन गद्दार तो उन कैबई कैलन। माई बिलख बिलख वो इस पतलवा में रोवत है लेकिन भैया लोग समझावत हुआ बारे हमारे इस शासन के लोग इस सरकार के लोग कैसे कैसे इस अधिकारी के पद पर बैठे हैं। इतना तक पता चला 16 दिन तक बेटी अस्पताल में जंग जीवन से लड़ती रही लेकिन ठीक 29 तारीख को दिन मंगलवार था 5:30 बजे के समय वो बिटिया ये दुनिया के छोड़ के चली गई। जब बिटिया ये दुनिया के छोड़ के चल गई बाबू हो लेकिन इस शासन के लोग इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार थे कि उसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। बिटिया का लाश भी लोग अंतिम संस्कार करे बदे नहीं देते वो बेटी के स्वयं लोग अंतिम संस्कार करने के लिए शव को जला भी दिए। क्या यही हमारे देश के राज रियासत की यही हाल है? हमारी बेटी की आबरू भी जा रही है हमारी बेटी मारी भी जा रही है लेकिन राजा और शासन के लोगों का काई क्या यही कर्तव्य है? यही होना चाहिए। यह मतारी सोच सोच के बिलखत बा और उम्बालिक से फरियाद करत बा। दीननाथ बंधु कैसन होलाया तचरवा स्वामी सत्ता तोहार नहीं जग में देखा
जैसे धरा पर जई पाए का बेराया। दुनिया में कैसन कैसन पाप कुकर्म होत बा, का आपो मालिक आंख बंद के लीला। इहे मतारी वो भगवान को लहना देत बा कि सब कुछ आपके सामने आपके धरती पर धरा धरती धरा धाम पर होत हो, लेकिन का मालिक आपो आंख बंद के लेले हुआ। अरे सुनीला कि रावण के जब अत्याचार बढ़ल तो वो समय आप राम का अवतार लेके वो पापी रावण का अंत कैला। अरे भगवान कम से कम ये दुनिया के लोग पाप पर उतारू हो गए बाड़न, चिन्हित ना हो कि केकर बहन बा केकर बिटिया बा, तो कम से कम भगवान आप अपने नजर के तक खोल के देखा कि आपके धरती पर कितना बड़ा पाप होत बा। इमतरिया भगवान सुलहना देत बा बाबू कि भगवान एक बार कम से कम धरा धाम पर आके ये पापी अत्याचारी दुराचारिन के आप अंत ना करबा, ते ही तरे आज हमारे बिटिया के संगे हो थो, कल दूसरे भी बिटिया के संगे होई, दूसरे बहन बेटी के साथ भी यह करी है। कम से कम आप एकर फैसला आए के कह देता भगवान, यह मतारी उलहना भगवान से दे थो। लेकिन आखिरी बात आप लोगन की मिली, ए लोगन का कथा आप लोग सुना, जे घरी ए शासन सत्ता के चलावत हो ओकर हाल सुना। अरे तो शासन मुंह को हो देखला तमाशा अजनबी, अघायल खोजला सहारा लेके आशा अजनबी। अरे जनता मांग रही संदीप लवकुश रवि राम को हो जाए नाश, फांसी ऊपर झूला के देवे जनता को परिहास। जनता क्रोध में पागल देख तमाशा अजनबी, सा घायल खोजला सहारावा लेके आशा अजनबी। ए भैया आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा आपने दिया था, वो नारा कहाँ चला गया? ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे नारा देने वाले लोगों से तो पिछली जो सरकार थी वो इससे बेटर थी। अरे जो कहते हो उसको करो और नहीं कर पाते हो तो उसको कहो ही मत। नहीं अगर बचा सकते तो उसकी मर्यादा लुटवाने का प्रयास मत करो। अधिकारी कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, किसी की मर्यादा लूट ली गई, किसी की आबरू के साथ खिलवाड़ हो गया, किसी की बहन बेटी इस धराधाम से चली गई, और आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बारे कहने वाले लोग, जरा कहने वाले शर्म तो करो कि क्या कहते हो और क्या करवाते हो। क्या यही तेरे शासन का हाल है? समय आएगा, वो दिन दूर नहीं जब वो समय आएगा कि आप को भी जवाब जनता देगी। परिजन को न दिए दिलासा, शासन ने बहकाया डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार, झूठा के किए दिखावा। ऐसन शासन कैलस दलितन के साथ तमाशा अजनबी।
अघायल खोजला सहारा लेके आसा अजनबी। ए बाबू, इतना तक पेपर के माध्यम से बाबा, टीवी के माध्यम से देखने को मिला को जो हाथरस जिले का जो डीएम था जिसका नाम प्रवीण कुमार लक्षकार बताया गया, वो इस बात को मानने के लिए तैयार था कि इस लड़की के साथ दुराचार हुआ है। झूठा आश्वासन देता गया परिवार के लोगों को कि हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन भुलावा देकर के उस बिटिया के शव के साथ भी अन्याय किया लोगों ने। इतनी बात जब सुनते हैं, अरे भलक मिली अखिलेश तुरंत बूलगड़ी में आए, सांत्वना दे परिवार के सब ही मुखिया को समझाए, चिंता करो न हम है देंगे ना दिलासा अजनबी। आ सोच है दुनिया के लोगवा अभिलाषा अजनबी। जब खबर को सुनते हैं समाजवादी पार्टी के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को यह जब सूचना मिलती है तो तुरंत उन्होंने फैसला किया कि हम उस बिटिया को न्याय दिलाने जरूर चलेंगे। बताया गया जिस गांव की लड़की थी उस गांव का नाम था बूलगढ़ी। उस गांव में अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं और पहुंच करके उस परिवार को सांत्वना देते हैं कि समय का इंतजार करिए, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं न्याय अवश्य दिलाऊंगा। आखिरी बात, गुरु बिहारी गुरु रमल अद्भुत है करुण कहानी, श्रद्धांजलि अशोक यादव की पहुंचे मधुरी बानी। अरे दिखाया क्या खुदा ने करिश्मा, रचना राम नारायण कभी न खुद दर्शाया, दिखाया क्या